वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन दोस्तों, मैं हूं अभिजीत कुमार। मैं बात करने जा रहा हूं आरआरबी एएलपी पेपर 2 के बारे में, और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों का ट्रेड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, और ये चल रहा है आपका चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 बेसिक रेफ्रिजरेशन। ठीक है, आप लोग चैप्टर पे मत जाना, मैं जितना कंटेंट दे रहा हूँ और जो जो चीज बता रहा हूँ वो बस समझने का कोशिश करो। आप लोग डिस्क्रिप्शन फॉलो करो, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक और फेसबुक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो सब जगह ज्वाइन हो जाओ। और फेसबुक ग्रुप पे काफी लोग हैं और सब आप ही लोग के जैसे हैं, और सारे लोग एएलपी पेपर 2 के लिए ही पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आप लोग डिस्कशन करो कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को होता है तो। ठीक है, चलो मैंने आपको कुछ साइकिल के बारे में बताया था कि बेल कॉलिमन साइकिल क्या होता है, जूल साइकिल और ब्रेटन साइकिल क्या होता है, कार्नोट साइकिल क्या होता है और आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं सारे को एक जगह करके, और आप लोग अपने अपने तरीका से जो है सो याद करने का कोशिश करना, क्योंकि अगर आपको साइकिल का कंसेप्ट अगर आपका सही हो गया और आपको याद हो गया तो आपको 2-4 नंबर ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग लगा लो एकदम नॉर्मल सा, जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको अभी तक वैसे आइडिया लग गया होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्नोट साइकिल। अब हम लोग ज्यादा डिटेल्स नहीं जाएंगे, सिर्फ प्रोसेस लिखेंगे। कार्नोट साइकिल में 1 में नाम दे देता हूं। कार्नोट साइकिल में क्या होता है, 2 आइसोथर्मल होता है, ध्यान देना, और 2 आइसेंट्रोपिक होता है। तो आप लोगों को इसको याद रखना है कि 2 आइसोथर्मल और 2 आइसेंट्रोपिक। और अब मैं बात कर रहा हूं इसका आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल का, इसका मैं बात कर रहा हूं। तो इसी को क्या बोलेंगे बताओ, इसी को बोलेंगे रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल, इसी को बोलेंगे ना। चलो तो इसमें क्या होगा बताओ, कॉमन सेंस लगाओ। रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल है तो जो कार्नोट साइकिल का है वही रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल का भी होगा। इसमें भी 2 आइसोथर्मल और 2 आइसेंट्रोपिक, ये आपको समझ में आ गया, दोनों में सेम। तो आपको क्या करना है, इसको याद कर लेना है कि किसमें क्या होता है। चलो अब हम लोग बात करते हैं इस स्लाइड में, पेयर में मैं बात कर रहा हूं, जूल साइकिल और ब्रेटन साइकिल, है ना। तो इसमें क्या था, इसमें था आप लोगों का 2 आइसेंट्रोपिक और 2 आइसोबेरिक। ठीक है, चलो देखो पीछे भी आइसेंट्रोपिक था, इसमें भी आइसेंट्रोपिक है, लेकिन वहां पे आइसोथर्मल था और यहाँ पे आइसोबेरिक कर दिए। ओके, अब आइसेंट्रोपिक क्या है और आइसोबेरिक क्या है ये आपको पता होगा। चौथा में बात करते हैं बेल कॉलेमन साइकिल का। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका रिवर्स्ड जूल साइकिल, यही होता है ना, या रिवर्स्ड ब्रेटन साइकिल, यही होता है आपका। चलो तो सिंपल सा बात है कि जूल साइकिल में आपका क्या है, 2 आइसेंट्रोपिक और 2 आइसोबेरिक, तो ये भी तो वही है रिवर्स्ड है, तो इसमें भी क्या होगा, 2 आइसेंट्रोपिक और 2 आइसोबेरिक। तो ये आपको समझ में आ गया, तो आप लोग इसको याद कर लेना। 1, 2 सेम है और 3 और 4 सेम है। ओके, चलो अब 5 नंबर में लिखो आप लोग एरिक्सन साइकिल, क्या लिखोगे, एरिक्सन साइकिल। और 6 नंबर में क्या लिखोगे, स्टर्लिंग साइकिल,
अब देखो इसमें और इसमें एरिक्सन साइकिल में क्या होता है, दो आइसोथर्मल होता है और दो आइसोबेरिक होता है, ठीक है, दो आइसोथर्मल और दो आइसोबेरिक, ओके। चलो इसमें क्या होता है, इसमें दो आइसोथर्मल और दो आइसोकोरिक। समझने का कोशिश करना ध्यान से तो आपको याद हो जाएगा, अच्छे से समझो। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1-2 का, कार्नोट साइकिल और रिवर्स कार्नोट साइकिल सेम होगा, आइसोथर्मल आइसेंट्रोपिक, आइसोथर्मल आइसेंट्रोपिक। इसमें देखो यहाँ पे देखो आइसेंट्रोपिक दोनों में है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आइसेंट्रोपिक रहने दे रहे हैं और आइसोथर्मल को हटा के आइसोबेरिक कर दिए, तो ये दो आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो पहला और दूसरा में आइसेंट्रोपिक को रहने दिए और आइसोथर्मल को हटा दिए, तो हम लोगों का तीसरा और चौथा बन गया। फिर से क्या कर रहे हैं, इस बार क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो पांचवा और छठा में, कि इस बार आइसेंट्रोपिक को हटा दिए, देखो तीसरा चौथा में क्या किया, आइसोथर्मल को हटा दिए और पांचवा छठा में क्या कर रहे हैं, आइसेंट्रोपिक को हटा दे रहे हैं, ठीक है, आइसेंट्रोपिक को हटा दे रहे हैं और आइसोथर्मल रहने दे रहे हैं। समझने का कोशिश करोगे तो समझोगे, ध्यान से पहला में और दूसरा में ये है अपना, तीसरा चौथा में क्या कर रहे हैं बताओ, तीसरा चौथा में हम लोग आइसोथर्मल को हटा दे रहे हैं और आइसोथर्मल की जगह पे क्या ला रहे हैं, आइसोबेरिक, देखो आइसोथर्मल को हटा करके आइसोबेरिक ला दिए, ठीक है। चलो तीसरा चौथा में हम लोग आइसोथर्मल को हटा दिए और पांचवा छठा में आइसेंट्रोपिक को हटा दिए, देखो पांचवा छठा में आइसेंट्रोपिक को हटा दिए और आइसोथर्मल को रहने दिए, ओके। और आपका अगर आइसोबेरिक आ गया आइसोथर्मल के साथ तो एरिक्सन हो गया, और आइसोकोरिक आ गया आइसोथर्मल के साथ तो स्टिरलिंग हो गया। तो आपको देख लेना, आप जैसे याद कर सकते हो, कोई भी ट्रिक निकाल करके, कोई भी कंसेप्ट बना करके, आपकी मर्जी है, लेकिन आपको क्या करना है, इसको याद करना है कैसे भी करके, ओके। चलो वैसे एक छोटा सा चीज मैं बता देता हूँ आपको, हल्का सा तरीका, देखो एरिक्सन, देखो ध्यान से वर्ड, देखो वर्ड 3-3-6-1-7, सात लेटर है ना, इसमें देखो 3-3-6 और 2-8, इसमें 8 है ना, उसी तरह से आइसो आइसो तो सेम है, बेरिक में देखो 5 है और कोरिक में देखो 6 है। अब क्या समझे, कम का कम के साथ और ज्यादा का ज्यादा के साथ। तो ये मैं आपको एक तरीका बताया, ऐसा करके बहुत सारा तरीका होगा, आप लोग खोज लेना कि कैसे याद करना है। पहला दूसरा तो आप ऐसे ही याद कर लोगे, तीसरा चौथा आप ऐसे ही याद कर लोगे, और पांचवा छठा जो है सो आप देख लेना, बेरिक छोटा होता है, एरिक्सन छोटा होता है, स्टर्लिंग लंबा होता है, कोरिक लंबा होता है, तो आपको जैसे अच्छा लगे आप लोग कर लेना। तो ये 6 साइकिल अगर आपको याद हो जाएगा तो 1 से 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिक्स है कि फंसेगा ही फंसेगा, और 1.2 में जो मैं बताया वहां से आपका फंसेगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं, आप लोग पढ़ रहे हो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो आपका क्या है कि रेफ्रिजरेंट से क्वेश्चन फिक्स है कि बनेगा, तो रेफ्रिजरेंट क्या होता है, आप तो रेफ्रिजरेशन जानते हो कि क्या होता है, लेकिन रेफ्रिजरेंट क्या होता है। देखो हम लोग रेफ्रिजरेशन, फ्रिज, एसी, हम लोग जो लगाते हैं अपने घर में, हम लोगों के घर में जो फ्रिज होता है उसमें आप ध्यान से देखना, उसमें एक चीज होता है जो हम लोग यूज करते हैं, और उसी चीज की वजह से अपना फ्रीजर ज्यादा ठंडा होता है। और आप ध्यान से देखना कि सबसे ज्यादा ठंडा फ्रीजर होता है, और जैसे जैसे आप उसके दूर जाओगे टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, सबसे ज्यादा ठंडा फ्रीजर होता है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं वो फ्रीजर के पास में ही रखते हैं, ओके। तो सबसे ज्यादा नजदीक में फ्रीजर रहता है तो सबसे ज्यादा लो टेम्परेचर हम लोगों का फ्रीजर का होता है। अब देखो रेफ्रिजरेंट होता क्या है,
तो ये एक ऐसा सबस्टांस है आपका जो हीट को कैरी करता है, हीट को क्या करता है, कैरी करता है, और वो रेफ्रिजरेटेड स्पेस। रेफ्रिजरेटेड स्पेस क्या होता है, आपका फ्रिज है तो फ्रिज के अंदर का जितना भी जगह है जिसको ठंडा करना है, ये रेफ्रिजरेटेड स्पेस हुआ। इसमें से हीट को क्या करता है, बाहर की तरफ फेंकेगा, ये रेफ्रिजरेंट का काम होता है, ठीक है। और आप देखना फ्रीजर के पास ऐसे ऐसे करके पाइप बना हुआ होता है, साइड में आप देखना ध्यान से, तो इसमें रेफ्रिजरेंट भरा हुआ होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रेफ्रिजरेंट का फ्लो होता है, और वो क्या करता है, वो हीट कैरी करता है, कहां से, रेफ्रिजरेटेड स्पेस से सराउंडिंग तक, ठीक है। और तो रेफ्रिजरेंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि रेफ्रिजरेंट को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, या तो एक्सपेंशन करके या तो वेपोराइजेशन करके, और रिजेक्ट इट थ्रू कंडेंसेशन। अब देखो यहाँ पे आपको नहीं पता है, लेकिन ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में क्या होता है, हीट का रिजेक्शन होता है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, इसको आप लोग नोट करके लिख लेना। और कंडेंसर का काम क्या है बताओ, कंडेंसर का क्या काम है, ये हीट को रिजेक्ट करता है, हीट को रिजेक्ट करता है, ये हीट रिजेक्ट करता है, ऐसे लिख लो आप लोग, कंडेंसर क्या करता है, हीट को रिजेक्ट करता है। तो कंडेंसेशन और कंडेंसर आपको समझ में आ गया, इसको आप लोग लिख लेना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखो रेफ्रिजरेंट जो हम लोग यूज करते हैं अपने घर में, उसका कुछ तो प्रॉपर्टीज होता होगा ना, तभी तो हम लोग यूज करेंगे, तो उसका क्या होता है डिजायरेबल प्रॉपर्टीज, तो उसके बारे में बात करते हैं। उसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। इसमें से एक दो पॉइंट ऐसा है, जैसे कि ये इवोपोरेटर टेम्परेचर, ये आपको लो कंडेंसिंग प्रेशर, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये आपको समझ में आएगा नेक्स्ट लेक्चर में, जब मैं बात करूंगा आपका VCR के बारे में, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में जब मैं बात करूंगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि ये इवेपोरेटर टेम्परेचर क्या होता है, ये कंडेंसिंग प्रेशर क्या होता है, ये कंडेंसिंग टेम्परेचर क्या होता है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम लोगों को स्टेप वाइज स्टेप चलना है, तो आपका रेफ्रिजरेंट का डेफिनेशन क्या है ये आप समझो, और आपको एक दो चीज याद करना है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट लो होगा तभी तो वो वेपर में कन्वर्ट होके पाइप के थ्रू वो मूव करेगा, है ना, इसीलिए इसका बोला जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए। क्यों, इसका कंसेप्ट भी आपको आगे समझ में आएगा। फ्रीजिंग पॉइंट, इट शुड बी बिलो द इवेपोरेटर टेम्परेचर, ये भी आपको समझ में नहीं आएगा। इवेपोरेटिव प्रेशर भी समझ में नहीं आएगा, कंडेंसिंग प्रेशर भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो ये तीनों आपको समझ में आ जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप लोग पेशेंस रखो, सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ याद क्या रखना है, आंख बंद करके एकदम से रट्टा मारो कि इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ताकि वो वेपोराइज हो जाए, ओके। चलो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वही वाला चीज कि हाई लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इसका होना चाहिए, ओके। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोग देख लो, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, लीक नहीं करना चाहिए, और लीक अगर करता है तो वो आसानी से पता चल जाना चाहिए कि कहां से लीक हो रहा है। कोरोसिवनेस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आयरन का पाइप के थ्रू ये फ्लो कर रहा है और इसी में ये कोरोजन का काम करने लगे, जंग लग जाए, ये नहीं होना चाहिए। टॉक्सिटी नहीं होना चाहिए, टॉक्सिसिटी नहीं होना चाहिए, जहरीला नहीं होना चाहिए, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, ये सब ऐसे भी कॉमन सेंस का बात है। और आंख के लिए इरिटेटिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है, आंख के लिए क्या होना चाहिए, इरिटेटिंग नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी इरिटेटिंग टू आई, ऐसे करो, इट शुड नॉट बी इरिटेटिंग टू आई, मतलब जलन नहीं होना चाहिए आंख में, पॉइजनस नहीं होना चाहिए, इंजूरियस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखो,
आग नहीं लगना चाहिए, मतलब ज्वलनशील नहीं होना चाहिए, खाना को जहरीला ना बना दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग फ्रिज में खाना रखें और वो जहरीला हो जाए। इसका स्टेबिलिटी हाई होना चाहिए, मतलब इसका हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे भी ये स्टेबल रह सके, ये विथस्टैंड कर सके। ऐसा नहीं कि प्रेशर या टेम्परेचर हम लोग बढ़ा दिए और इसका नतीजा क्या हुआ कि इसका प्रॉपर्टी चेंज कर गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, चलो आगे बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। थर्मल कंडक्टिविटी इसका ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगा उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा। अपने फ्रिज के अंदर से बाहर ज्यादा हीट ट्रांसफर कब होगा? जब वो थर्मल कंडक्टिविटी उसका होगा। अगर होगा ही नहीं तो वो हीट ट्रांसफर कैसे करेगा, है ना? तो ऐसे भी याद रख सकते हो, इट शुड हैव हाई थर्मल कंडक्टिविटी। विस्कोसिटी इसका लो होना चाहिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम इसका लो होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अदर प्रॉपर्टीज में। हैंडलिंग और मेंटेनेंस आसान होना चाहिए, कॉमन सेंस का बात है। कॉस्ट इसका कम होना चाहिए, इजिली अवेलेबल होना चाहिए, परफॉर्मेंस रेट हाई होना चाहिए, है ना? ये सीओपी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये हाई होना चाहिए। लो पावर रिक्वायरमेंट, अब इसका मतलब आप समझो वो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम करे, कम मेरा बिजली का खपत हो, मतलब ऐसा होना चाहिए। तो ये सारा था आपका रेफ्रिजरेंट का प्रॉपर्टीज। तो इतना तक आप लोग क्या करो, लेक्चर नंबर 1.1, 1.2, 1.3 इस तीनों को आप लोग अच्छे से रिवीजन करो। मैं 1.4 में बात करूंगा आप लोगों का VCR के बारे में, और वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा रेफ्रिजरेशन का कंसेप्ट हम लोगों का वहीं से आता है निकल करके। अगर वो साइकिल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल अगर आप अच्छे से समझ जाते हो, तो आप समझो कि 25-30% कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का रेफ्रिजरेशन। ठीक है, इतना ज्यादा वाइटल रोल है। तो आप लोग 1.4 तो मिस करना ही मत करना, और जैसे ही 1.4 कंप्लीट होगा तो फिर मैं थ्योरी को थोड़ा सा रोकूंगा और MCQ पे रिवीजन टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा, और उसके बाद एयर कंडीशनिंग का भी मैं एक दो आप लोगों को लेक्चर अलग से थ्योरी डिटेल्स में बताने के लिए एक दो लेक्चर मैं और आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि कॉमनली यूज्ड। देखो रेफ्रिजरेंट तो हम लोग यूज करते हैं, तो बहुत सारा तरह का रेफ्रिजरेंट होता है, लेकिन हम लोग जो मेन यूज करते हैं कॉमनली, वो हम लोगों का अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड और हेलोजन, इस टाइप का होता है। तो इसका एक दो प्रॉपर्टीज आप लोग सिर्फ देख लो कि अमोनिया जो होता है उसका हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टीज क्या होता है, काफी ज्यादा होता है, अच्छा होता है, वो ऑयल के साथ मिक्स नहीं करता है। बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, टॉक्सिक होता है, फ्लेमेबल होता है, और कॉपर पाइप के लिए ये कोरोजी भी होता है, और हम लोगों को ऐसा रेफ्रिजरेंट चाहिए जो ये तीनों ना हो, लेकिन ये होता है ना? लेकिन इसका ये दो प्रॉपर्टी काफी अच्छा है। कार्बन डाइऑक्साइड ये तो नॉन टॉक्सिक है, सही है, नॉन फ्लेमेबल है, ये भी सही है, बट इसका प्रॉब्लम क्या है, ये कॉस्ट हाई होता है, लेकिन इसका लो कॉस्ट होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट के हिसाब से, लेकिन क्या कर सकते हैं, सब कुछ सब में मिलता नहीं है। हेलोजन, हेलोजन में देखो आप कि फ्रियॉन्स, ये हम लोग मेनली यूज करते हैं अपने घर में, याद रखना हम लोग मेनली ये यूज करते हैं, और ये नॉन टॉक्सिक है, नॉन फ्लेमेबल है, गुड हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टीज है इसका, लोअर कॉस्ट है, और लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है कि ये ऑयल के साथ मिक्स कर जाता है। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इतना सारा प्रॉपर्टीज है, तो आप लोग इसको याद कर लेना, क्या पता पूछ दे कि अमोनिया टॉक्सिक होता है कि नहीं होता है। ठीक है, या हम लोग जनरली जो रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं उसमें मेनली क्या यूज होता है, तो हम लोगों का आंसर फ्रियॉन्स होगा। और भी होता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा तरह का आजकल मार्केट में आया हुआ है, और जितना ज्यादा मॉडर्न जनरेशन में नया नया टेक्निक के साथ रेफ्रिजरेटर आ रहा है, तो अलग अलग टाइप का रेफ्रिजरेंट भी यूज होता है। ओके,
तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ समझ में आया होगा और आप लोग कुछ सीखे होंगे। आप लोग वेट करो लेक्चर नंबर 1.4 आने का, और उसके बाद होगा तो हम लोगों का स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, 35% लाना है, आराम से आएगा, बस फॉलो करते रहो। ठीक है, तब तक आप लोग मन से एग्जाम का तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।